अगर ऐसा है तो ये क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, शायद क्लरिकल मिस्टेक होगा, बिकॉज हो सकता है कभी कभी इनको इसमें गवर्नमेंट योजना के अंतर्गत भी होता है, तो अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए तो उसके अनुरूप जो है शायद उन्होंने वही लिखने का प्रयास किया होगा, इट मे बी कि ये क्लरिकल मिस्टेक हो, फिर भी मैं इसके कॉन्फिडेंस में लेकर के इसको थॉरली देखता हूँ। वेलकम बैक टू यू दोस्तों, नमस्कार। नल जल योजना पर जो अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को खाली करने के लिए अंचल से एक लेटर निकला है। यह जो लेटर है बहुत ही एक अद्भुत लेटर है। ऐसा लेटर ना कभी आप लोग देखे होइएगा, ना पढ़े हुए होइएगा, ना मेरे ही जानकारी में ऐसा कुछ लेटर था। यह लेटर जो निकला, और लेटर पता नहीं कैसे निकला, किस तरह से निकला, और धीरे धीरे यह लेटर जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो कुछ चैनल वाले ने जा कर के अंचल में सीओ साहब से बात भी किए। सीओ साहब ने बताया कि ऐसा देखते हैं, जांच करते हैं क्या इसमें सच्चाई है। उस लेटर में पत्रांक संख्या भी लिखा हुआ है, और कब का लेटर है सो भी लिखा हुआ है, और नाम पता तो अद्भुत ही है। पिता का नाम नल जल योजना, पुत्र का नाम, इस तरह जो है पूरी एड्रेस जो है अजब गजब का ये नल जल योजना का जो है लेटर है। इस स्क्रीन पर मैं इस लेटर को लगा दिया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या अजब कहानी है। इस तरह सा जो है लेटर आजकल जारी हो रहा है। तो बात एक तरफ से यह देखा जाए तो सही भी माना जाएगा, क्योंकि नल जल योजना जो है सही में अतिक्रमण तो है। अब धारा तक भी लिखा गया है कि अतिक्रमण को खाली किया जाए, तो बिना जो है बिहार सरकार का जो लेटर ना निकला था, न कोई सूचना था, न कोई खबर था, बस आनन फानन में नल जल योजना जल्दी जल्दी बनाना था, तेजी में बनाना था, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन नज़दीक था, और नीतीश कुमार जी का यह कहना था कि विधानसभा इलेक्शन से पहले सभी नल जल तैयार हो जाए, बन जाए। तो जब यह नल जल योजना को तेजी में लाया गया तो जिसको जहां मन किया वहीं बना दिया। मौखिक रूप पर यह कहा गया कि अगर आप जमीन दीजिएगा तो नल जल योजना में एक अनुरक्षक के पद पर आपके घर से एक व्यक्ति को रखा जाएगा, और यही लालच देकर के जो है लोग खूब नल जल योजना में अपना कीमती जमीन दिया, दरवाजे का जमीन दिया, जबकि खेती का जमीन के लिए भाई भाई में आपस में खूब लड़ते हैं। जाकर के कोर्ट में देखिए कि कितना केस लंबित है खेती के जमीन में, जो एक हाथ एक बीता के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन नल जल योजना में जो है नीतीश कुमार जी को गरीब लोग काफी मदद किया और अपना जमीन योगदान किया, तो नीतीश कुमार जी का भी फर्ज बनता है कि जो लोग नल जल योजना में अहम भूमिका निभाया है और नल जल योजना को सुचारू रूप से धरातल पर लाने में अपना कीमती जमीन योगदान किया है, उनके लिए भी सोचना चाहिए। क्योंकि किसी के जमीन में अगर नल जल का मोबाइल का टावर है तो उसको महीना मिल रहा है, किसी के जमीन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है तो उसका महीना मिल रहा है। लेकिन नल जल योजना को देखिए कि किस तरह से जो है लोग तो अपना जमीन दे ही दिया, जब दे दिया नल जल धरातल पर लग गया, चालू हो गया, तो कुछ न कुछ नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, नहीं तो भले ही इस तरह का लेटर निकला है ना, ये इस लेटर को भी इस तरह का हर जगह निकलना चाहिए, लागू भी होना चाहिए। अगर नल जल योजना जहाँ जमीन पर लग गया और उस जमीन वाला को न जमीन के भाड़ा दिया जा रहा है, न उस आदमी को उसमें कोई काम दिया जा रहा है, तो अतिक्रमण तो है, तो अतिक्रमण का नोटिस निकलना चाहिए। आगे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा, और इस तरह का जो है जानकारी आप लोगों को मैं देते रहूँगा। अतिक्रमण खाली अब होना चाहिए, जब नोटिस निकलने लगा, लेटर निकलने लगा, तो क्यों नहीं अतिक्रमण खाली होगा। अतिक्रमण तो सही में अतिक्रमण तो है ही है। जब आपने कहा था कि नल जल में एक आदमी को नौकरी दिया जाएगा,
जमीन वाले को काम दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला, ना जमीन के भाड़ा ना काम, तो जमीन पर नल जल जो योजना जो है उसको अतिक्रमण ही माना जाएगा, अतिक्रमण ही है, उसको खाली होना चाहिए और नहीं तो काम मिलना चाहिए, कुछ तो सुधार होना चाहिए ताकि हमारे बिहार के में जो भी लोग है नल जल योजना के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और यही कारण है कि अधिकार भूमिदाता को नहीं मिलने के कारण जो है नल जल योजना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, बहुत काफ़ी संख्या में नल जल योजना बंद हो गया है, और आगे भी उम्मीद अब यही सभी लोग तो यही कह रहे हैं कि चलने वाला नहीं है। नहीं चलने का एक ही कारण है कि सरकार यह चाहता है कि हम वार्ड सदस्यों से नल जल चलवाएंगे, वार्ड सदस्य आएगा जाएगा लड़ेगा झगड़ेगा और पैसा किसी को तो सरकार देगा नहीं, हाँ फंड से पैसा निकलेगा लेकिन पैसा घोटाला होगा कि हम पैसा दे रहे हैं लेकिन यहाँ धरातल पर किसी को पैसा मिलेगा नहीं, ये समझिए घोटाला योजना बन चुका हुआ है। क्या कहते हैं आगे आप, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।